जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिमी दूर खड़ी है और मैं देख रहा हूँ ये गा क्या रही है इतनी दूर से। पता नहीं क्या कर रही है ये। सारी आवाज़ आ रही है आपके गाने की। यहाँ आप क्या देख रही हो यहाँ से? ये क्या देख रही हो ऊपर से लोगों को? अच्छा, कॉफी की तरह अच्छी लग रही थी और इनका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था बैठे, और कितना अच्छा इन्होंने बनाया। ये देखें, पहले यहाँ पर फाउंटेन हुआ करता था कभी, अभी इन्होंने ये कॉफी शॉप, अब पता नहीं यहीं हुआ करता है या कहीं और होता है। या आप आई हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स? हां, मॉल ऑफ एमिरेट्स आए हैं और आप जो है वो साथ साथ चलें। चलिए आप जाइए, मैं पीछा करता हूं आपका। नहीं नहीं, पीछा नहीं करना, आप आगे जाएंगे। अच्छा, फिर भी मेरी बनानी है वीडियो। तो बताइए जरा इस मॉल की क्या क्या खासियत है। इस मॉल की खासियत यह है कि ये एक बहुत बड़ा मॉल है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं बड़े ब्रांड्स भी मिलेंगे, और उसके अलावा अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपको रिजनेबल जो प्राइजेज में कोई चीज़ें मिलें तो वो वाली भी शॉप्स मिलेंगी यहाँ पर। आप ग्रोसरी भी कर सकते हैं, फूड के लिए दुनिया का हर खाना फूड सब यहाँ है, और यहाँ पर दुबई स्की भी है, और अच्छा मॉल है, बड़ा मॉल है, लेकिन ये है कि आप इंजॉय करते हैं यहाँ पर आके, हर तरह के चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। बड़ा मॉल है, घूमते घूमते आप थक भी सकते हैं, लेकिन हम जब भी कहते हैं कि किसी अच्छे मॉल जाते हैं तो हमारे लिए नंबर वन यही मॉल होता है कि हम एमिरेट्स मॉल जाएं। तो अभी हम घूमेंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे। और ये देखें जी, मेरा SM न्यू, मेरा SM। आप बताइए SM क्या है? सिमी मैम, थैंक यू। चले आए, आगे भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और जो सबसे पहले यहाँ पर कुछ खाएं पिएंगे हल्का फुल्का, और फिर उसके बाद जो है वो घूमें फिरेंगे, देखेंगे क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं नहीं करते। अब हम बिल्कुल मिड में आ गए हैं, और यहाँ से अगर आपको छत दिखाऊं मैं तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, अच्छी। और आज क्योंकि यहाँ पर वीकेंड है, छुट्टी है, तो यहाँ पर काफ़ी रश भी आपको मिलेगा। फॉरनर्स बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और लोकल जो हैं वो तो होते ही होते हैं, जिनको हर वक्त घूमना है, फिरना है, खाना खाना है और पार्टी करनी है। वो तो आपको हमेशा मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, रश है। राजा दर साथ भी साथ हैं। हाँ, मैं साथी हूँ, मैं खाली देख रहा हूँ कि आप कर क्या रही हैं आज अपने ब्लॉग में। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करवा रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम घर बैठे पूरे दुबई की सैर कर लेते हैं, आप हमें घुमा फिरा देते हैं। तो जी आए, अभी और भी आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का इन्होंने सिंबल दिया हुआ है, फ्यूचर में सैटेलाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं। और ये बहुत ही मज़े की एक शॉप है जहाँ पे ग्लासेस बेचे जा रहे हैं। अगर आप क्लोज में करके देखते हो तो ये चश्मे वगैरह पड़े हुए हैं। तो स्टाइल है हर बंदे का अपना, किस तरह से क्या आप बेचते हैं। सभी बेचे जा रहे हैं हर माल। और ये है खूबसूरत सी ग्लासेस की दुकान, जिसके एक चश्मे में आप अपने दो गुर्दे बेच सकते हो। वो चश्मे भी वो जो पठान 100 रुपये में आपको दो भी दे दे बार्गेनिंग करने के बाद, उस टाइप के चश्मे। बहरहाल ये दुबई है, यहाँ ऐसी जिंदगी है। बैग अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, आपके पास भी है ना, दीदी ना बन जाया करो हर चीज में। अच्छा देखिए, ये जो बैग, पर्स, क्लच, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये जितने हो उतने कम है, तो इसलिए जब भी अच्छा नजर आता है तो फिर दिल करता है। अच्छा लग रहा है ना पर्स, लगता है फ्यूचर में ये बैगों की दुकान खोलेगी और बेचेगी सिमी। प्राइस देख लें जरा क्या है, 235 अल्डो। नाइस, किधर गए सिमी? एक और दुकान पे खड़ी है अभी, यहाँ से भी पर्स चेक कर रही है।
आप किधर जा रही हो अभी? मैं जा रही हूँ जी, जरा ज़्यादा चलना फिरना होता है। ये भी मैंने यहीं से लिए थे, आप दिखा सकते हैं एयर। और ये देखो कौन से नए आई हैं लड़कियाँ, लड़कियों के जूते। हाँ अभी चेक करते हैं कि क्या है। ये नया आया है जूता, ये कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, अच्छा है, लेकिन वाइट ज्यादा नहीं। व्हाइट नहीं लेना चाह रही है क्योंकि दुबई में वो वाली अलग है। हाँ उस तरफ ज्यादा। ठीक है, चलें देखते हैं, आ जाएं। ओके, बाय। आगे हैं सेंटर पॉइंट और यहाँ पर स्प्लैश भी है, आपको मेकअप, कपड़े, जूते, हर चीज यहाँ अवेलेबल है। तो आए दिखाते हैं, बल्कि यहाँ पर आपको हम जो है वो ब्रेथेबल जो है वो वाली हम ये गिफ्ट पैक भी हैं। आप किसी को न देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं ये वाले। 420 का। रमजान अभी शुरू नहीं हुआ और ये रमजान के लिए इन्होंने ऑफर लगा दी है। आप देखें कि आप रमजान में अपने प्यारों को गिफ्ट कर सकते हो। और ये देखिए ये नए डिजाइन आए हैं, वो सिल्क में है और ये जो है ये सॉटन में है। तो ये गंजी औरतें हैं दोनों, लेकिन अच्छी लग रही है। आप यहाँ कप क्यों देख रही हैं? ऐसे ही अच्छा लग रहा था और मेरे ड्रेस के साथ भी जा रहे थे। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, व्हाइट एंड येलो। चलें, ये हैं बैग्स बच्चों के और लंच बैग। इसको देखो, हमारी बहुत सारी लड़कियां ये बनने की कोशिश करती हैं जबकि होती नहीं है। क्या करें, मजबूरी है। हर तरह की अगरबत्ती, अगर पाकिस्तान में बत्ती होती है तो लोग कितना खुश होते हैं। सो अगरबत्ती यहाँ तो है। ये क्या कर रही हो? क्लच। ये गाड़ी का क्लच है? नहीं, ये पैसों वाला है। हाँ ये पैसों वाला। ओह ये इतना मुन्ना, ये कितने का है? ये पता नहीं, पैसों का होगा। पैसों का होगा, खुद दे दिया नहीं ना, पता ही नहीं पैसे आंदा। ये देखो लड़की, इसे माँ ने हाथ पैर बांध के ना तलो टंगा में काट देती है ने। ओह वाओ, क्या करें, मजबूरी है इस बेचारी की। ये देखो एक डिसेंट सी लड़की का ड्रेस है, वाइट ट्राउजर मुझे ऑलवेज पसंद है, और ये शाइनी ग्लिटर स्टार्स के साथ। ये तीन है, क्लच लेकर भी आप कर सकते हो ये ड्रेसिंग। ये दो आंटियां हैं, इसकी आंखें बंद हैं क्योंकि खड़ी खड़ी सो गई, काफ़ी देर से शॉपिंग कर रही थी। और ये वाली सो गई है लेकिन इसने ऐनक लगा ली कि पता न चले। चला आंटी कपत्ती, ये स्कूल लेट आई थी तो टीचर ने इसके हाथ से रखवा दिए और ये माफ़ी मांग ली मैंने। ये वाइट शर्ट भी अच्छी लग रही है। अच्छा ये आजकल बहुत चला हुआ है, लगता है कि आपने अली फलैला वाली शलवार पहनी है। ये देखें जरा, लेकिन स्कर्ट है। ये क्या है? स्कर्ट। ये स्कर्ट और ये वाइट शर्ट, ये किसी भी चीज के साथ आप पहन सकते हो। इसके साथ इन्होंने ये लगाया। बहुत अच्छा है। वो पिंक के साथ अच्छे लग रहे हैं। पिंक के साथ भी अच्छा लग रहा है। ये है बहुत ग्लिटरी सा एक टॉप है जिसके साथ ये रॉ सिल्क में ऐसा। अच्छा इस तरह की जो शलवार होती थी ना, लड़के नीचे से बांध के ना ऊपर से नाड़े वाली जगह से फूंक मारते थे जोर जोर से, और फिर पानी में नहर में छलांग लगाते थे तो फूल जाती थी। मुझे ये वो शलवार नजर आ रही है। ये वो ही है। चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या लगा हुआ है। ये भी खूबसूरत लग रहा है, ये देखें, ये उसी को अपोजिट उन्होंने कर दिया है। ये मुहावरा सही बना है कि औरत के पास खावेंद एक ही हो लेकिन कपड़े बेहिसाब। और ये देखें, वो ये बहुत मजे का लग रहा है। देखिए ये सिल्क में अच्छा लग रहा है, वाओ। इस पे जो फूल लगा हुआ है ये बिल्कुल सही है। ये देखें ये पुतली अच्छी है, इसने कमर पे हाथ रखा हुआ है। पुतलियां दिखाता हूँ आपको, ये दूसरी पुतली है, ये तीसरी एक और पुतली। आप तो पुतली तमाशा बना रही हो यार, फिर कहीं घुसी है। अब देखते हैं ये क्या दिखाने के लिए जा रही है। ओ ये अच्छा लग रहा है, इतनी पतली कमर देसी औरतों में होती किसकी है। ये भी बात है, कमरे बने होते हैं नीचे 15-15 मरले पे। कलर इसके बाजू जो हैं ये अच्छे लग रहे हैं, कलर बहुत खूबसूरत है। ये मुझे ये वाला बड़ा मजे का लग रहा है, ब्लैक ग्रे एंड डार्क ग्रे एंड व्हाइट।
ये तीन शेड्स हैं, ये बड़ा टॉल सा है, ये देखें बंदा प्लेन बिल्कुल पहने हुए, और ये रॉक स्टार्स की जैकेट। अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। राजा हैदर कैलिस का बहुत ज्यादा फैशन है, इन है ये भी आप ले सकते हैं। इसमें ये है कि अगर आप जो है जरा थोड़े बल्की हैं तो आपका पेट वेट छुप सकता है इसके अंदर। ये नए जो टीवी आए हैं, अगर आपके घर में बीवी है फिर टीवी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही आपको चुप रखेंगे, बोलने नहीं देंगे। ये देखें कहाँ जा रही है सिमिया, अल्लाह खैर ही करे। सबको पता है आपका नाम एस से शुरू होता है, फिर क्यों खड़ी हो जाती हो? एस फॉर स्वीट। ओह सिमी, काश आ जाए ऐसी होती हैं आप, ऐसे सॉल्टी हैं आप, बदतमीजी नहीं करते, ऐसे स्पाइसी हैं आप, ऐसे शरारती हैं आप, और ऐसे शरीफ हूं मैं। ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए एक स्टॉल लगाया हुआ बीच में, वैसे ये दिमाग आपका दिमाग खराब कर देता है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी है भाई, हाय हाय। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ जो लोग कहते हैं नेल पेंट के वाले से, तो ये देखें ये ब्रेथेबल है। ये तमाम यूएई में आपको बड़ी बड़ी जितने भी मॉल हैं वहाँ पर उन्होंने अलग से काउंटर बना दिया है जहाँ पर ब्रेथेबल आपको नेल पेंट, और सारे ब्रांड्स की हैं आप ये देख लें, ये देख सकते हैं आप। अभी भूख लगी है कुछ खाते हैं, मॉल में गर्मी है बहुत क्योंकि रश ज्यादा है, तो इसलिए बहुत सारा माल जो घूम रहा है, तो अभी हम खाना खाएंगे, आपको बताएंगे हम क्या खा रहे हैं। क्या खाया था बर्गर? हाँ ये फूड कोर्ट है जी, इनका बर्गर बहुत अच्छा, और इनका गड़बड़ बहुत अच्छा होता है, ले बर्गर, और बहुत ही ज़बरदस्त इनके, ये देखो मैं दूर से भी दिखा देता हूँ और पास से भी, ये इनका मेन्यू है, कैसे कैसे बर्गर हैं, इतना बड़ा थोड़ा मुँह नहीं, ये तो सियासतदाना ले बने हैं, और ये है सारा इसके साथ है, ये एशिया किचन है, ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे ये एक अरबिक रेस्टोरेंट है, ये भी देख लो, मतलब ये साथ साथ बने हैं, और ये खाली है, तो मैं सोच रहा था कि इसको खाली रहने देते हैं अभी मैं नहीं ले रहा। ये चिलीज़ है, चिलीज़ पे ऑलवेज आपको रश मिलेगा, नैंडोज हैं, यहाँ पे ये किचन्स बने हैं, लेकिन मसला ये है कि सामने हम आपको वो जो ब्लू ब्लू है वो भी दिखाते हैं। ये देखें जी, गर्मी में अगर आपको बर्फ़बारी का मज़ा उठाना है, अगर बाहर नहीं कहीं जा सकते स्नोफॉल देखने के लिए, तो यहाँ पर जाएं और जाके जैकेट पहन के ही लोग जाते हैं ना, नॉर्मली वैसे नहीं जा सकते, और आपको वैसा ही माहौल मिलेगा। ये देखें लोग घूम रहे हैं, आप ये कार्स चला सकते हो, जैसे स्कीज पे लोग घूम रहे हैं, देखने लग रहा है कि बर्फ पे आप, तो है ये बर्फी क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा किया हुआ है। और आप कहाँ जा रही हो? मैं खाना खाने जा रही हूँ। जाओ फिर साथ आए। ये एक बहुत जबरदस्ती फ्लावर्स की दुकान है, आपने बड़े बड़े देखे होंगे गिफ्ट देने वाले, बट ये देखो एक ओरिजिनल रोजेस का एक ट्री बना हुआ है, ये मॉल ऑफ एमिरेट्स में, ये वाइट सारे रोजेज हैं और ये लंबे अरसे के लिए चलने के लिए, ये मुझे बहुत पसंद आया, ये लंबा, वैसे तो बुके इस तरह के भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह हमारा आज का ये ब्लॉग खत्म होता है, हम आपको बस सिर्फ एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, और सिमी आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूंगी ज्यादा शेयर किया करें, लाइक जरूर, सब कुछ असली है, और एक रोज ये भी घूमे जा रही है कि ये ना असली है सारे, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारा प्यार और मेरी तरफ से मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज, आप सब हमारे दिल में रहते हैं, और अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किए तो फिर हम लोग इसी तरह के और बहुत सारे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।